तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुखराम बिश्नोई है। ओके, और आप कहाँ से हो सर? मैं थाना डिस्ट्रिक्ट भिवंडी से। थाना डिस्ट्रिक्ट भिवंडी। भिवंडी, ओके। और आप कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हो? मेरे को यहाँ हो गया 5 दिन हो गया। मैं आया था पहले आपके आश्रम में सूरत में, फिर मालूम पड़ा आपका आश्रम यहाँ है तो मैं यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे कुछ पता नहीं चला। इसका लास्ट लोकेशन भावनगर है। अच्छा, तो आपके बेटे के बारे में थोड़ा बताइए, कितनी उम्र है, क्या नाम है? ये 12 में पढ़ रहा था। इसका नाम राहुल बिश्नोई है और इसकी उम्र है 17 साल 9 महीना है। बराबर। और इसको निकल के 2.5 महीना हो गया है। ये बोला था कि पोपट भाई के पास जा रहा हूँ, मैंने ना बोला था कि 12वीं पास कर ले, उसके बाद तेरे को जहाँ जाना है जो करना कर। लेकिन उसके मन में क्या आया, वहाँ से वो बिना बोले ही अचानक कॉलेज गया, एग्ज़ाम दे के वहाँ से निकल गया, उसके बाद वापस नहीं आया। हमने नरेश भाई से बहुत बार कॉन्टेक्ट किया लेकिन नरेश भाई बोला हमारे पास आया नहीं है। तो फिर मुझे इसको वो ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। तो मैं सब जगह जा रहा हूँ लेकिन पोपट भाई के लिए मैं रुका था, ये बम्बे चले गए थे, लेकिन मुझे 3 दिन बाद मिले हैं तो इनकी हेल्प लेने आया। इन्होंने मेरी मदद की है लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग इसको देखें, तो जहाँ भी ये दिखे तो हमें यहाँ पोपट भाई को फ़ोन करें या मैसेज करें, तो जल्दी से जल्दी ये मिले और इसके 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है 12वीं बोर्ड, तो कम से कम वो दे पाए। ना ना बिल्कुल, और बहुत ही दुख की सर बात है कि हमारे वीडियो तो वैसे तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और सभी लोगों को एक मदद करने के अंदर से प्रेरणा मिलती है कि चलो हम भी कुछ मदद करें। बट मेरे जितने भी भाई लोग देख रहे हैं तो आपकी उम्मीद है कि भाई हम साथ में मिलके सब कुछ करें, बट शायद इतने दूरी की वजह से हम नहीं मिल पाते। तो ऐसी हरकत कभी मत करिए क्योंकि परिवार है आपका और आज एक परिवार का एक सदस्य इतने महीनों से गुम है, तो वो शायद ये जो मेरे वीडियो देख रहा है। तो प्लीज़ भाई मैं आपसे विनंती करता हूँ, आपके पिताजी आपकी बहुत ही परेशानी में, मतलब अभी उसके दिन वो गुजर रहे, तो प्लीज़ उसका कांटेक्ट कीजिए। आप समझदार हो और सोशल मीडिया के माध्यम से इस मैसेज आप तक पहुँचे। बस आप सभी लोगों को गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए कि जिसकी वजह से ये भाई तक ये पूरा मैसेज पहुँचे। तो भाई आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, मैं आपका वेलकम करूँगा, तो प्लीज़ आप आ जाइए। सोशल मीडिया आश्रम में भी आप आ सकते हो, तो जिसकी वजह से एक आपके पिताजी, उसका आपके फैमिली जो अभी जिस मुसीबत के साथ गुजर रही है, तो आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ हमारी बातों को समझिए और थोड़ी सी आप जो भी समझदारी के साथ आप यहाँ पे आ सकते हो तो भावनगर में, लास्ट लोकेशन भावनगर तो आ रहा था ना, तो भावनगर से बिल्कुल यहाँ पे नज़दीकी है, तो प्लीज़ आ जाइए आश्रम पे और मैं आपके आने की मैं राह देखूँगा। तो थैंक यू, और जितने भी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए और ऐसी कभी हरकत मत कीजिए। आप हमें मिलना चाहते हो तो हमें फ़ोन करके आइए, हमें मैसेज करके आइए कि भाई हम आ रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके परिवार वालों को भी बोल के आइए कि भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो आज ये मुसीबत हमें देखनी ना पड़े। तो थैंक यू सो मच, पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए जिसकी वजह से एक गुमशुदा हमारा जो राहुल भाई बिश्नोई है तो वो उसका परिवार तक मिल जाए। थैंक यू। ये नंबर भी आप दोस्तों देख लीजिए, ये उसके पिताजी का मोबाइल नंबर है। आपको कहीं भी ये भाई दिखे राहुल भाई तो प्लीज़ उसको कांटेक्ट कीजिए, हमारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे सब कुछ डिटेल दी गई है। थैंक यू।